सब लोग अपना वीडियो एक बार एक बार स्टेट। पर अपना वीडियो ऑन कर लो एक बार। डेट करते हैं थोड़ा देर और सबको ज्वाइन करने के कैसा चल रहा है तुम लोग का लॉकडाउन? बढ़िया। एकदम बढ़िया। और कहाँ तक हो गया तुम लोग का? तन्मय, तुमने पूरा कंप्लीट कर लिया? नो मैम, अभी बेसिक्स ही चल रहा है मेरा। डेटा एनालिटिक्स का पासवर्ड ही अभी 3-4 दिन पहले मिला ना। अच्छा। और ऊपर तुम्हारा तुम्हारा तुम अनम्यूट करो खुद को। हाँ, ऋषिका, कैसा चल रहा है तुम्हारा? दीदी चल रहे, कंटिन्यू कर रहे, बाकी है अभी भी बहुत। कहाँ तक हुआ? फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया और उसके बाद एफएमसीजी कर रहे। अच्छा। और कौन है हम लोग के साथ अभी? रेशम, रेशम कहाँ तक हुआ तुम्हारा? मैम, ये थ्योरी की और एक्सेल की फाइनेंशियल मॉडलिंग का खाली एक दो पार्ट हुआ है। अच्छा। और तुमने बीबीए किसने स्टार्ट किया है? बीबीए पाइथन? क्या मैम? बीबीए पाइथन नहीं स्टार्ट किया अभी तक? पाइथन हम कर लिया दीदी, मॉडलिंग अभी तक नहीं किया, एक पार्ट फोकस कर रहा था। अच्छा, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। मतलब ऐसा कोई जल्दी का बात नहीं है, बट देन एवरी डे 2-3 वीडियोस देखो एंड प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि काफी सारा वीडियोस है। जितना तुम लोग को ड्राइव में लग रहा है उससे और ज्यादा है अभी अपलोड करेंगे। एक्चुअली ड्यू टू कनेक्शन अभी अपलोड नहीं हो पा रहे वीडियोस, वरना वीबीए का अराउंड 150 वीडियोस तो बनेगा ही, ऐसा सोच लो। फिर काफी सारा वीडियोस है, पाइथन का भी काफी सारा है, तुम लोग को रेगुलर करना पड़ेगा। और कौन है हम लोग के साथ? हाँ ऋषिका, बोलो, तुम कुछ बोल रही थी। हाँ दीदी, हम बोल रहे कि पाइथन तो जितना भी तक मिला सारा देख लिया, पर एक्सेल का इतना नहीं हो रहा देखना, क्योंकि कॉलेज का भी असाइनमेंट्स वगैरह चल रहा है, तो उसको लेके मेरा एक्सेल का कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। रेगुलरली करो, एक्सेल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ दीदी, अभी शुरू करेगा उसको करना। हाँ करो डेली। देखो, हम लोग वेट करते 2 मिनट्स और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग वो एक्सेल में जो हम लोग का बच गया था 2 एक्सरसाइज, एनटीवी वाला एंड आईआरआर और पेबैक वाला, वो हम लोग सॉल्व करेंगे आज। जस्ट वेट करते थोड़े लोगों को और ज्वाइन करने दो। बाकी सबका कैसा चल रहा है? वर्षा, कैसा चल रहा है तुम्हारा? मैम, एक्सेल और थ्योरी हो गया, बस फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टार्ट नहीं किया अभी तक। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करो जल्दी। और कौन है? तमन्ना, कैसा चल रहा है तुम्हारा? कितना तक हो गया? अनम्यूट करना पड़ेगा तुमको। मैम, एक्सेलेंट थ्योरी ऑल डन, बट बाकी सब कुछ नहीं है। अच्छा। एंड मैम, एक्सेल का, हाँ बोलो, एक्सेल का सर बोले थे कि लास्ट का जो लाइव वीडियोस है यूट्यूब पे, वो सर बोले थे कि सारा नहीं करना है, तो कौन कौन सा करना है वो अभी तक बताया नहीं। तो कौन सा?
एक्सेल का नहीं, सॉरी थ्योरी का। थ्योरी का अच्छा ठीक है, थ्योरी का बता देंगे, पर ऐसा नहीं है तुम लोग अगर एक्सेल नहीं हुआ तो तुम लोग बाकी कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग पाइथन ही सब स्टार्ट कर दो करना। एक्सेल तो हो गया, एक्सेल हो गया, पाइथन कर दो स्टार्ट, पाइथन वीबी ये सब सब स्टार्ट कर दो, वरना फिर बिकॉज हर एक लैंग्वेज सीखने में 1 मंथ तो लगता ही है, लाइक हर एक कोडिंग लैंग्वेज सीखने में 1 मंथ तो लगता ही है, तो तुम लोग को सीखना है फिर उसको प्रैक्टिस करना है तो टाइम लगता है। और कौन है हम लोग के साथ? ठीक है और कोई नहीं है, स्टार्ट करते हैं, जस्ट लेट मी राइट इन द ग्रुप की कोई और ज्वाइन कर रहा है तो। दीदी जैस्मिन आएगा, ठीक है वेट करते हैं उसके लिए। जैस्मिन आ गई, और कोई? जैस्मिन कैसा चल रहा है बताओ? अच्छा ही चल रहा थी, अभी रिविजन कर रहे थे पहले का भी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स का एंड प्रॉपर नोट्स वोट्स एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे थे। अच्छा हाँ, और कुछ स्टार्ट किया पाइथन ये सब? हाँ पाइथन तो हो गया था, अभी वीबीए का क्लासेस का कर रहे थे, बहुत सारे वीडियोस हैं, न्यू है ना थोड़ा कोडिंग वगैरह, सो उसको थोड़ा स्लोली कर रहे हैं, 10-15 क्लासेस देखे तो वैसे। हाँ तो वही रखो, वही मैं बोल रही हूँ कि टाइम लगता है सीखने में तो हम लोग को धीरे धीरे वही है ठीक है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सा वीबीए की बाइट है? वीबीए काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ वीबीए बहुत इंटरेस्टिंग है, वीबीए काफी इंटरेस्टिंग है, Python भी काफी इंटरेस्टिंग। Python is more, हाँ बोलो Python। हाँ हम लोग it's more like a programming language ना, and we've done that like school में थोड़ा Java करते थे तो उससे similar थे वो। हाँ पर अभी तुम लोग advanced level भी सीखोगे like finance proper in Python सीखोगे तो वो चीज है। ठीक है, I don't think कि और कोई join कर रहा है, किसी ने message किया है क्या group में? नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट टाइम से ये सर ने बोला ये चीज कि नेक्स्ट टाइम से जो हम लोग करें जूम चैट ऐसे तो सब लोग अपना वीडियोस ऑन रखना ताकि हमें पता चले कि तुम लोग सो तो नहीं रहे हो ना कोई। ठीक है मैम, अपने आप को अनम्यूट कर देना क्लास के बीच में जो हम लोग क्लास करेंगे, एंड सॉरी म्यूट कर देना एंड वीडियोज ऑन रखना ठीक है। तो अभी जिन लोग रख पा रहे हो वीडियोस ऑन लोग रख लो, इट्स बेटर अगर तुम लोग वीडियो ऑन रखो ताकि मुझे तुम लोग का फेस दिखे। तमन्ना को ऑन है, रूपल को ऑन है, स्टार्ट करें। ठीक है स्टार्ट करते हैं अब इसको। एक्चुअली ठीक है देखो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वॉइस आपका वॉइस एक्सो हो रहा है अभी, हो रहा है क्या अभी? ठीक है हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वैसे तो, तुम लोग को अगर कुछ भी वापस देखना हो तो तुम वापस भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने लैपटॉप का भी ऑन कर देती हूँ वीडियो ताकि तुम मुझे भी देख पाओ। ठीक है स्टार्ट करते हैं।
मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ इधर. मेरा ये एक्सेल स्क्रीन यूजेबल है क्या तुम लोग को? हाँ हाँ विजिबल है. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फिर, लेट नहीं करते हैं ज्यादा. एनपीवी एंड आईआरआर इसमें है क्वेश्चन राहुल एंड. अच्छा किन्होंने किया है ये वाला क्वेश्चन ये बताओ पहले, किसी ने खुद से ट्राई किया? किसी ने भी ट्राई किया क्या खुद से? रूपल तमन्ना वीडियोस देखा है बट सॉल्व नहीं किया असाइनमेंट अभी तक नहीं सीखते. तुम लोग कब सॉल्व करोगे? मुझे लगता है एक टेस्ट लेना पड़ेगा तुम लोग का, वरना तुम लोग करोगे नहीं ऐसे. हाँ मैम सही में मोटिवेशन नहीं मिल रहा. नहीं नहीं फिर तो टेस्ट लेना ही पड़ेगा. मैं सोच ही रही थी कल की टेस्ट लेना है तुम लोग का. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं. राहुल एन एस्पायरिंग शेफ इज इंटेंडिंग टू सेट अप अ केटरिंग बिजनेस टू सेल फूड फ्रॉम वैन एट फेस्टिवल्स. द परचेज प्राइस. अच्छा जब ऐसे टाइप के सम्स होते हैं ना तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट सबसे होता है कि हम लोग डिमार्केशंस डाल दें कि आउटपुट कहाँ. अच्छा बाकी सब अपने आप को म्यूट कर दो एक बार प्लीज. तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है. ठीक है तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ हम लोग करते हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं द परचेज प्राइस ऑफ द वैन इज 20,000 एंड ही एस्टिमेट्स दैट ही विल इनकर कॉस्ट ऑफ 3,000 मंथली फ्रॉम वन ईयर फॉर द वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज एज ही फिट्स आउट द वैन एंड डेवलप्स हिज रेंज ऑफ प्रोडक्ट. सो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट इनिशियल परचेज प्राइस इज 20,000. तो ये कब होगा? टाइम जीरो पे. ठीक है उसके बाद है 3,000 का कॉस्ट एवरी मंथ. ठीक है तो ये हम लोग को कंसिडर करने फॉर वन ईयर. अब हम लोग ये बताओ कोई भी एक जन कि ये जो 3,000 का कॉस्ट है ये 3,000 का कॉस्ट कितने मंथ तक बेयर करना पड़ेगा? क्वेश्चन पर क्या समझ में आ रहा है? कोई भी एक जन अनम्यूट करके बताओ. 12 months. 12 months की 11 months. 12 months. Oh, 11 months from time the date one. Of bola na from time 1 to fir 11 months. 12 months ki 11 months batao mom. 12 months because isme bola hai, confuse mat ho na, isme bola hai that monthly cost incur karega for first year to 12 months. एंड ये जो 20,000 है ये कब होगा? टाइम जीरो पे, लाइक इनिशियली एकदम जब जैसे ही उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वैसे ही उसे 20,000 पे करना. ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि वन ईयर आफ्टर परचेजिंग द वैन राहुल एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू लॉन्च हिज बिजनेस एंड स्टार्ट सेलिंग द फूड. लाइक फॉर द फर्स्ट ईयर उसका सारे एक्सपेंसेस कवर होगा एंड फ्रॉम द सेकेंड ईयर ही विल स्टार्ट सेलिंग द फूड. He estimates that his net income from his first year of sales will be 9,000. तो ये जो 9,000 का income है ये कब हो रहा है? First year का sale के बाद, मतलब first year end होगा तब उसका net income will be 9,000. First year की second year. Second year का beginning and first year का ending में net income उसका ये रहेगा. सब लोग यही बोल रहे हो? Sure है? Yes, ma'am. इसमें पर क्या बोला है देखो, वन ईयर आफ्टर परचेजिंग द वैन तो फर्स्ट ईयर तो कोई इनकम है ही नहीं. तो फर्स्ट ईयर तुम लोग ने इनकम कैसे कंसिडर किया? फर्स्ट ईयर तो कोई इनकम है नहीं कोई. ओ अच्छा मेरे को लगा कि वन ईयर एक पूरा ईयर कर लिया उसके बाद उसका इनकम ये स्टार्ट हुआ. नहीं प्रोजेक्ट जब से स्टार्ट होता है तब से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं टाइम. तो टाइम जीरो पे जो परचेज हो रहा है 20,000 का फॉर द वन ईयर कुछ उसका इनकम नहीं हो रहा. ये इनकम जो 9,000 का है ये सेकेंड ईयर में हो रहा है. अब सेकेंड ईयर में देखो इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि कब होगा, स्टार्टिंग में कि एंड में. तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये जो इनकम है ये मिडल ऑफ द ईयर में हो रहा है बिकॉज जनरली जो इनकम है वो थ्रू आउट द ईयर ही चलेगा ना. थ्रू आउट द ईयर ही वो भेजेगा. हाँ, सेकेंड ईयर के मिडल ऑफ द ईयर पे
सेकंड जीरो से वन नो इनकम, जीरो से वन नो इनकम, हाँ राइट, वन एंड टू के बीच में, वन एंड टू के बीच मींस इट इज अ सेकंड ईयर है ना. या हम लोग अगर एक टाइमलाइन बनाओगे तो जीरो से वन इज फर्स्ट ईयर, वन से टू इज द सेकंड ईयर. तो वन से टू के बीच में हमें कितना मिलेगा, 9000. जस्ट बिकॉज नथिंग इज गिवन एंड कंसिडरिंग कि सम कैसा है, वी आर टेकिंग इट टू बी द मिडल ऑफ द ईयर. ठीक है, क्योंकि पूरे साल 9000 का इनकम होगा. फिर बोले ये जो फिगर है दिस विल इंक्रीज बाय 4% एवरी ईयर. तो सेकेंड ईयर में अगर 9000 है तो उसके बाद वाले साल में कितना हो जाएगा, 9000 इंटू 1.04, 4% से इंक्रीज हो गया. क्लियर है ये चीज. उसके बाद क्या बोल रहे, देखो 10 ईयर्स आफ्टर परचेजिंग द वैन, राहुल विशेस टू रिटायर एंड ही बिलीव्स दैट ही विल बी एबल टू सेल हिज वैन एट दैट टाइम फॉर 25,000. सो आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम द परचेज ऑफ द वैन, मतलब कि फ्रॉम टाइम जीरो टाइम 10 पे वो बेचेगा कितने में अपने वैन को, 25,000 में. सो अगेन 25,000 इज एन इनकम फॉर राहुल. तो इनकम और आउटगो का डिमार्केशन समझ में आया सबको, कोई भी डाउट है तो पूछो. क्लियर है ना. रेशम तुम्हारा अनम्यूट करो और बोलो. मैम ये 25,000 टेंथ ईयर में आया उसका इनकम की ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आया 25,000 वो बोल रहे आफ्टर 10 इयर्स. देखो 10 इयर्स आफ्टर परचेजिंग द वैन, मतलब वो बेच देगा ना, वो रिटायर हो रहे तो वो अपना वैन बेच देगा तो उसको उससे रुपया मिलेगा जो हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट बेसिकली. ठीक है, स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू इफ यू सी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द वैन. 20,000 कॉस्ट था ये 25,000. सो व्हाई इज दिस, बिकॉज ऑब्वियसली उसका बिजनेस काफी अच्छा चला होगा, सो पीपल आर रेडी टू बाय हिज वैन. ठीक है, इसलिए कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोस अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.2% पर एनम. ठीक है, तो ये हम लोग को इंटरेस्ट दे दिया यहाँ पे. अब हम लोग को क्या निकालना है, एनपीवी निकालना है. फॉर एनपीवी क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट चाहिए और कैश फ्लोस चाहिए एंड टर्म चाहिए, टाइम पीरियड. ये तीन चीज अगर है तो एनपीवी हम लोग निकाल सकते हैं. नाउ दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज ये जो स्टोरी टेलिंग टाइप के सम्स होते हैं ना, तुम लोग जब रियल बिजनेस में जब तुम लोग को एनपीवी निकालना होगा, तुम लोग को ऐसे ऐसे डिफिकल्ट कैश फ्लोज मिलेंगे ऑब्वियसली, है ना. तुम लोग को समझना पड़ेगा कि कैसे इसको डील करना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्ट का सेल बना लेते हैं, जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं. इंटरेस्ट 7.2% है. अगर तुम लोग अभी मेरे साथ साथ नहीं कर सकते हो तो एक बार देख लो अच्छे से एंड फिर तुम लोग बाद में इसको सॉल्व करना. मैं हमेशा हर चीज को कलर कर देती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे देखने में. तुम लोग भी कर सकते हो ये चीज. अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे आउटगो से. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आउटगो से. इसको भी कलर कर देते हैं. मैम लैपटॉप हम लोग तो कॉपी में करते हैं, लैपटॉप में करें सम. तुमने किया नहीं है ना अभी तक एक भी सम रेशम? नहीं मैम, थ्योरी में जो सम्स था वो सब तो कॉपी में किया. नहीं, हमने एक्सेल में भी किया है इसको. एक्सेल का तुमने इक्वेशन ऑफ वैल्यू ये सब किया है? नहीं किया है. हम एनजीपी वगैरह ये हमारा थर्ड शीट है फाइनेंशियल मॉडलिंग का. इसके पहले हमने अगर किसी ने लोन, हमने लोन शेड्यूल भी बनाया था पूरा एक क्लास में. देखो पूरा लोन शेड्यूल भी बनाया था हमने. किसने किया ये लोन शेड्यूल वाला क्लास? लोन शेड्यूल भी है तो ये सब क्लास, बट खुद से प्रैक्टिस नहीं किया था सर. नहीं, खुद से प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना कुछ याद नहीं रहता है. टाइम पीरियड है और हमने क्या लेना है फिर कैश फ्लो, कि हमारा कैश फ्लो क्या होगा और क्या क्या कॉलम्स बनते हैं जिन्होंने किया है. एक कॉलम बनता है डिस्काउंटिंग फैक्टर का, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं पीवीआईएफ, और फिर हम लोग निकालते हैं पीवी. ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये सबको पता है कैसे हम लोग. चलो टाइम ऑफ आउटगो, फर्स्ट आउटगो कब हो रहा है, कौन बताएगा फर्स्ट आउटगो कब हो रहे हैं? फर्स्ट टू सेकंड ईयर? अच्छा नहीं, फर्स्ट ईयर में 20,000 का फर्स्ट टाइम जीरो पे. तो टाइम जीरो पे हमारा आउटगो हो रहा है कितने का, 20,000 का.
उसके बाद नेक्स्ट आउटगो इज ऑफ 3000 व्हिच इज टेकिंग प्लेस एवरी मंथ. अब कुछ बोला नहीं है तो मे बी हम लोग मंथ के एंड में कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट मंथ का एंड मतलब क्या हुआ, 1/12 बोल सकते हैं क्या? ये डेट में कन्वर्ट नहीं करना मुझे, इसको पूरे को हम रखते हैं इन जनरल. ये जीरो से हमने स्टार्ट किया इसे एंड फिर हमें प्लस 1/12 करें. तो ऐसे रखते हैं. समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहे हैं? टाइम जीरो पे 20,000 है एंड फिर एवरी मंथ के एंड पे कितना कैश फ्लो हो रहा है? 3000 का. तो यानी कि फर्स्ट मंथ के एंड में, सेकेंड मंथ के एंड में, थर्ड मंथ के एंड में, सो ऑन 12 मंथ के एंड तक. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था दीदी? 1/12 करने से तो पॉइंट में जा रहा है. हाँ तो ये तो पॉइंट में रहेगा ना, बिकॉज कभी भी एक्सेल में 1/12 में रह ही नहीं सकता, अपने आप वो कैलकुलेट हो जाएगा. अच्छा है ना, 1/12 ही हो जाएगा वो, मतलब डेसिमल में चेंज हो जाएगा. बिकॉज मैंने क्या किया है, मैंने पहले वाले सेल को लिया है एंड उसमें 1/12 ऐड कर दिया है. क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे हर मंथ को इंक्रीज करना है ना 1/12 से, और फिर लास्ट कहाँ तक जाना है मुझे. मैम ये समझ नहीं आया 1/12. देखो मैं बता रही हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे समझो पहले टाइम जीरो पे स्टार्ट कर रहे हैं, कैश फ्लो इज ऑफ 20,000. ये समझ में आया? यस. ठीक है, नेक्स्ट कैश फ्लो विच इज ऑफ 3000 वो कब हो रहा है बताओ, रूपल बताओ कब हो रहा है? फर्स्ट मंथ पे, फर्स्ट मंथ के एंड पे. ठीक है, फर्स्ट मंथ के एंड पे. तो फर्स्ट मंथ का एंड अगर हमें क्या दिया है, पर एनम का दिया है. तो जब इंटरेस्ट रेट हम लोग को ईयरली दिया है तो बेटर है कि हम लोग सब कुछ को ईयर में ही चेंज कर दे. तो अगर मैं बोलूँ कि 1 month को ईयर में चेंज करो तो तुम लोग कैसे चेंज करोगे? 1/12 नंबर ऑफ डेज को ईयर में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड बाई 365 करके. है ना, तो वही यहाँ पे हम लोग ने किया, डिवाइड बाई 12 किया. तो ये हो गया हमारा जीरो, टाइम जीरो. फिर टाइम 1/12 पे यानी कि 1 month के एंड पे 3000 का कैश फ्लो है. तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जीरो प्लस 1/12 कर दिया. तो ये जो 0.0833 है, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ का एंड. ये क्लियर है? थर्ड मंथ का क्या होगा? थर्ड 21 पे, B21 पे. दिस इज नॉट थर्ड मंथ, दिस इज द फर्स्ट सेकंड मंथ का एंड. तो ये ऐसे समझो, रुको मैं आपके साइड में लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर है. ऊपर में लिख देते हैं मंथ्स. ठीक है, तो अब ये इसको लेके जाएंगे हम लोग 12 तक, इसको लेके जाएंगे 12 तक. अब देखो बेसिकली समझ में आ रहा है, ये जो 1 यहाँ पे आ रहा है, दिस 1 इज नथिंग बट फर्स्ट ईयर का एंड. बिकॉज वी आर डीलिंग इन ईयर्स ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ईयर्स, ताकि समझ में आए कि हम लोग ईयर्स में डील कर रहे हैं. क्लियर है? अभी इसका डेसिमल्स थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, बेटर रहेगा. ठीक है, अभी कोई भी डाउट है तो पूछो. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हर मंथ के एंड पे ले रहे हैं ना. तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट मंथ का एंड, सेकेंड मंथ का एंड. B19 प्लस B21 कहाँ पे मैम? एक बार आप बस थर्ड मंथ का फॉर्मूला दिखाओ ना, ये वाला. हाँ बस पहले वाले सेल में 1/12 ऐड कर दो ना, एवरी टाइम एक मंथ से आगे जा रहे हो तो प्लस 1/12 प्लस 1/12 करते रहो. खाली इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/12 ऐड करके ड्रैग कर दिया, और ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है ना, तो ये अपने आप ड्रैग हो जाएगा. ठीक है, ये चीज क्लियर है? क्लियर है ना ये चीज सबको? हाँ तन्मय बोलो. एक्चुअली कल ही मैंने ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है, सो आप इसके अलावा कोई क्वेश्चन कराने वाले हैं क्या?
नहीं तुम क्योंकि तुमने CM1 किया ना तो तुम मतलब तुम्हारा किया वही है। हाँ मैंने कल ही प्रोजेक्ट अप्रेजल का सेशन देखा तो उसमें ये था। हाँ 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 तो तुम यू कैन लीव द सेशन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम खाली स्टार्टिंग का 10 मिनट्स अटेंड कर, ठीक है? ओके मैम। हाँ हाँ समझ में आया ना अभी सबको, बाकी सबको? बाकी सबको क्लियर है क्या? रेशम हाँ मैम, ऋषिका, जैस्मिन सबको क्लियर है ना? हाँ, अभी ये 3000 का एवरी मंथ के एंड पे हो रहा है तो इसको हम लोग जैक कर देंगे। अब क्लियर है? देखो ये मंथ्स मैंने लिख दिए यहाँ पे और ये हम लोग टाइम इन ईयर्स, ये हम लोग क्यों बना रहे? ताकि हम लोग PVIF निकाल सके। अब PVIF मेरे को ऋषिका बताएगी क्योंकि उसको सबसे, उसका वीडियो नहीं दिख रहा ना मुझे, तो मुझे पता नहीं वो उठी रही कि सो रही है। अदिति उठा हुआ है पर आप करके दीजिए ना। नहीं तुम बताओ, तुम तो लाइव क्लास अटेंड किया है इसका, बताओ PVIF कैसे होगा? PVIF जैस्मिन ट्राई करो। PVIF इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। 7. जैस्मिन बोलो 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 कोई बोलो। 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट। 1/1 प्लस आर होल टू दी पार माइनस एन होता है ना? इससे सब लोग अग्री करते हैं? सब लोग रेशम, सब लोग अग्री करते हो? 1/1 प्लस आर होल टू दी पार माइनस एन, सब लोग इससे अग्री करते हो? तो ये हमारा आर क्या है? 7.2% है। आर हमारा 7.2% है तो हम लोग क्या करेंगे? 1+1 आर। अब हमेशा क्या करना ना, ये जो अभी हमारा कैलकुलेशन, इसको हम लोग को ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज 1/ पूरा चीज से डिवाइड हो रहा है ना, 1/ पूरे चीज से डिवाइड हो रहा है। ये चीज क्लियर है क्या क्यों हमने ब्रैकेट्स लिया? 1/1 + r होल टू द पावर माइनस एन, सॉरी होल टू द पावर एन होता है ना, 1/1 + r होल टू दी पावर n होता है। अगर अगर तुम लोग डिवाइड नहीं करते हो, खाली 1+r लेते हो तो 2^-n कर सकते हो, ठीक है? ये चीज क्लियर है क्या? ये वाला किसी को नहीं है तो पूछूं मैं क्या होगा, कैसे होगा? क्लियर है सबको ये वाला चीज? हाँ हाँ मैम। अब देखो 1/1 + r है तो ये जो r है इसको कॉन्स्टेंट रखना है बिकॉज r इज नॉट चेंजिंग। तो अगर हम लोग ड्रैग करेंगे अपने वैल्यूज को तो ये C15 C16 हो जाएगा और C17, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? एब्सोल्यूट F4 से एब्सोल्यूट कर देंगे। अब देखो एक ट्रिक होता है, जब एक बार F4 प्रेस करते हो तो पूरा एब्सोल्यूट हो जाता है, जब एक बार और F4 प्रेस करोगे तो रो नंबर एब्सोल्यूट होगा, एक बार और F4 क्लिक करोगे तो कॉलम एब्सोल्यूट होगा। क्लियर है? ये शॉर्टकट होता है। FN F4 से तो पूरा हो जाएगा ना? देखो किसी किसी के, जैसे कि मेरे लैपटॉप में आई डोंट हैव टू यूज फंक्शन FN की, हो सकते कि तुम्हारे लैपटॉप में यू विल हैव टू यूज फंक्शन की, ठीक है? डिपेंड करते है वो लैपटॉप का सेटअप कैसा होता है। तो FN F4 या फिर F4 से एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता है। एंड दिस टू द पावर क्या करना पड़ेगा हमें, रूपल बताओ? बताओ कोई भी एक जन बताओ। टू दी पावर एन। टू दी पावर एन क्या है यहाँ पे? एन जीरो है। जीरो है तो उतना ही आएगा, ठीक है? अभी तो वन ही आएगा, टाइम जीरो पे खड़े हो तो टाइम जीरो का जो कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू टाइम जीरो पे उतना ही रहेगा। ये चीज क्लियर है? अब इसको ट्रैक करते हैं हम लोग। तो देखो सबका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब जब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो देखो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है कौन समझाएगा? ये चीज 0.99 है यहाँ पे, यहाँ पे 0.93 है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। और बेटर समझाओ इसको, अच्छे से समझाओ। डेप्रिसिएशन हो गया एसेट का। नहीं एसेट का तो कुछ, एसेट तो यूज ही नहीं किया हमने अभी तक। मैम जब 12 पे है मनी अगर, तो फिर अगर उसको पीछे लाएंगे तो फिर
टाइम वैल्यू देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें सबको पता है बट समझाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उसको समझाते कैसे उसका प्रेजेंट में वैल्यू एट जीरो ज्यादा था और बाय द टाइम एक ईयर पास हुआ तो उसका वैल्यू कम हो गया तो एवरी मंथ कम होते गए सो बेसिकली जब कभी भी कोई बोले कि समझाओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो तुम लोग कैसे समझाओगे तुम लोग को ये बोलना है कि 100 rupees आफ्टर 1 month एंड 100 rupees आफ्टर 1 year द वैल्यू इज नॉट सेम ठीक है किसका वैल्यू ज्यादा होगा 100 rupees आफ्टर 1 month या 100 rupees आफ्टर 12 months 100 rupees आफ्टर 1 month तो यही लॉजिक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जब कोई भी पूछे ना बस 100 rupees का एग्जाम्पल लो और ऐसे समझा दो कि 100 rupees नाउ एंड 100 rupees आफ्टर 1 year इज नॉट द सेम दिस इज ओनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिंपल ठीक है ये हो गया अब हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ये हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर TVIF था अब हम लोग कैसे निकालते प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो से किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर को ये चीज क्लियर है ठीक है अब इसको बस ड्रैग कर देंगे इसको ड्रैग करके हम टोटल अपना निकालेंगे अब टोटल का एक और मतलब सम फंक्शन का एक शॉर्टकट होता है मैंने एक वीडियो बनाया शॉर्टकट्स पे सारा वो हम लोग अपलोड करेंगे अभी थोड़ी देर में शॉर्टकट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं या तो तुम लोग क्या लिखोगे पूरा सम फंक्शन टाइप करोगे और इसको सिलेक्ट करोगे ये होता है जो हम लोग सम निकालते हैं एक और तरीका क्या होता है शॉर्टकट यूज ऑल्ट इक्वल टू ठीक है तो ऑल्ट इक्वल टू तो देखो अपने आप मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया अपने आप सम आ गया और अपने आप ही सिलेक्ट हो गया तो दिस इज द शॉर्टकट ऑल्ट इक्वल टू ठीक है देखो इसे सम आ जाते हैं बहुत इजीली तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल आउटपुट इसको हम हाईलाइट कर दें क्लियर हुआ ना टोटल आउटपुट तो हमारा पूरा जो टेबल है फॉर द आउटपुट रेडी है अब कोई भी डाउट है किसी को भी यहां तक तो पूछ लो यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लो हमने क्या किया हमने देखा कि टाइम जीरो पे 20,000 का कैश फ्लो आउटफ्लो है फिर हर मंथ के एंड पे 3,000 का आउटफ्लो है TVIF कैसे निकाला या तो 1+r होल टू द पावर माइनस n कर सकते हो या फिर 1/1+r होल टू द पावर n कर सकते हो यहाँ पे n इज व्हाट हमारा मंथ 1/12 2/12 3/12 एंड सो ऑन क्लियर है आगे बढ़े सबको अगर क्लियर है तो एक बार बोल दो हाँ दीदी क्लियर तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इनकम इनकम इज 9,000 एंड दिस इज इंक्रीजिंग बाय 4% एंड ये जो इनकम है ये अब तुम लोग सोच के बताओगे कि कौन से टाइम पीरियड से स्टार्ट होगा ठीक है वर्षा बहुत तेजी से नहीं बोल रही तो वर्षा बताएगी मैम भी कंफ्यूज्ड है हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का स्टार्ट ही नहीं किए कुछ अरे तो स्टार्ट ऐसे देखो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ऐसे मत बोलो कि मैंने स्टार्ट नहीं किया ये नहीं किया वो नहीं किया खाली बस क्वेश्चन पढ़ो ये तो एक सिंपल सा वो बच्चे लोगों को नहीं कराते हम लोग सम्स प्रॉब्लम सम सॉल्विंग जो होता है क्लास 1 के बच्चे लोग करते वैसा सब अच्छा क्या क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है इसका एक बार फोटो क्लिक कर लो मेरे ख्याल से वो तुम लोग के लिए शायद बेटर रहेगा अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि कब इनकम स्टार्ट हो रहा है पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि कब इनकम स्टार्ट हो रहा है गलत भी हुआ तो क्या हुआ कोई एक बार आप स्क्रीन स्क्रॉल अप करिए ना ठीक है चलो ईयर फिर हमें चाहिए कैश फ्लो फिर हमें चाहिए PVIF एंड PV ये हो गया हमारा इनकम चलो अच्छा रूपल बताइए इनकम कब स्टार्ट होगा कौन से टाइम पीरियड से इनकम स्टार्ट होगा
पहले तो मैं प्रोजेक्ट ईयर ऑफ प्रोजेक्ट लिख लेती हूँ, 12th तक है। कितने इयर्स का था वैसे प्रोजेक्ट हमारा? 10 इयर्स का, तो ये 10 इयर्स है। बताओ रूपल, बताओ फर्स्ट ईयर में क्या होगा? बताओ जल्दी, फर्स्ट ईयर में जीरो होगा। फर्स्ट ईयर में कोई कैश फ्लो नहीं है, फिर सेकंड ईयर से कितने का कैश फ्लो हो रहा है? 9000 का। और फिर उसके बाद कैसे हो रहा है हर ईयर? कितने से इंक्रीज हो रहा है? 4% से इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे इंक्रीज करें? 9000 पहले वाला सेल इनटू 1 + 0.04। ये सही है क्या? ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, सही है, क्लियर है? अभी पहले वाला सेल ले लिया और उसको 1.4 से इंक्रीज कर दिया, 1.04 से। अब जब इसको ड्रैग करेंगे तो अपने आप क्या होगा, सारे हर ईयर इंक्रीज होते जाएगा। देखो जैसे पहले वाला इनटू 1.04, पहले वाला इनटू 1.04। तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तुम लोग क्या कर सकते थे, 9000 फिर यहाँ पे लिख सकते थे 1.04 टू दी पार ये वाला 1, ठीक है, 1 - 1 वैसे करके भी कर सकते हो, ये भी इजी है। ये हमारा कैश फ्लो हो गया। अब इसका पीवीएफ निकालना है। हमने क्या अज्यूम किया कि जो कैश फ्लो है वो कहाँ पे हो रहा है? ईयर के मिडिल में, हमने मिडिल में अज्यूम किया बिकॉज ये पूरे साल तक होगा ना, पूरे साल तक चलेगा, तो हमने अज्यूम किया कि ईयर के मिडिल में होगा। तो जब ईयर के मिडिल में होगा यानी कि कब होगा? 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, these are what, middle of the years. So does counting be usi ke according karna padega, middle of the years ke according? Ma'am, ye middle of the years wala abhi kya bole aap? Dekho 9000 ka jo tumhara income, ye jo hai, kya naam tha, Rahul. To ye pure saal hi to bechega na food, khali beech mein thodi laake, pure saal bechega। तो अगर पूरे साल बेचेगा तो ये इनकम उसके पूरे साल का ही है, ये इनकम उसके पूरे साल का ही है, ठीक है? बोलो हाँ या ना? एंड ऑफ द ईयर क्यों नहीं अज्यूम कर सकते है ये? देखो अज्यूम कर सकते हो एंड ऑफ द ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। सो यू कैन अज्यूम एंड ऑफ द ईयर बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा एंड ऑफ द ईयर ही अज्यूम करते हैं क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता तो। बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि एंड ऑफ द ईयर होना चाहिए, बिकॉज मुझे लिखना चाहिए था एक्चुअली क्वेश्चन में, चीज मेंशन करना चाहिए था कि इट इज नॉट एंड ऑफ द ईयर, इट इज मिडल ऑफ द ईयर, ठीक है? क्योंकि पूरे साल इनकम हो रहा है ना, तो तुम उसको कैसे मान सकते हो कि एंड एंड लेके कैसे चल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है? तो 9000 का इनकम पूरे साल है, पूरे साल है तो हम लोग उसको मिडल ऑफ द ईयर मान रहे हैं, यानी कि 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे, ठीक है? तो अब हम लोग जब पीवीएफ निकालेंगे तो ये चीज दिमाग में रखना है कि हमें ईयर जो टाइम होता है टू दी पावर एन होता है उसमें हम लोग इसको नहीं ले ले, 0.5, 1.5, 2.5 उसको लेना, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? तो पीवीएफ 0.5 हो जाएगा और सेकंड ईयर का हो जाएगा 1.5, मतलब एक पहले, सेकंड ईयर का 1.5, फर्स्ट ईयर का 0.5। वैसे चलो बताओ, 1 + मैं ना वो वाला फॉर्मूला करी, 1 + r whole to the power - n वाला। मैम ये सब अब कहाँ अपलोड किए? ड्राइव पे? सब ड्राइव पे, एक्सेल शीट में जो है ना, जो मेरे प्रॉपर एक्सेल शीट है जिसमें सारा, जिसमें बहुत सारा वीडियोस है, हाँ, उसके थर्ड या फोर्थ शीट में, आफ्टर थ्योरी है। ओके ठीक है, तो अब ये बताओ इसमें, उसमें तो सिर्फ तीन है, एनपीवी, आईआरआर और वो इसका नहीं, हाँ तो ये भी है उसमें, टू दी पार माइनस एन होता है ना, अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, माइनस एन होता है, 1 + r to the power - n होता है, या फिर 1 / 1 + r whole to the power n, सेम थिंग है, तो मतलब सेम है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो ईयर होगा ये 0.5 होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का मिडिल मतलब 0.5। तो देखो मैंने कोई कॉलम अलग से बनाया नहीं है जानबूझ के, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कैसे हम लोग डील करते हैं जब अलग से कॉलम नहीं बनाते। तो 0.5 का मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया, तो मुझे यहाँ पे चाहिए -0.5, तो एक माइनस तो बाहर रख लेते हैं, ठीक है?
माइनस रख लेते हैं बाहर, अब 0.5 चाहिए तो कैसे लाएं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 0.5, ये कर सकते हैं क्या? देखो एक बार क्या होगा, देखो ये जो होगा ये वाला पोर्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 तो 0.5 हो गया, और बाहर मैंने माइनस ले लिया तो 1 प्लस आर होल टू दी पार क्या हो गया, माइनस जीरो पॉइंट फाइव. अब जब इसको ड्रैग करेंगे तो जैसमिन बताओ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0.5 विच इज, हाँ तो माइनस वन, माइनस 1.5, माइनस 2.5 ऐसे होते जाएगा, तो मतलब सही है हमारा PVIF. ठीक है, चलो अब इसको हम लोग ड्रैग करेंगे, ये डेसिमल परसेंटेजेस में कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देते हैं, अभी इसको हम लोग कर देते हैं नंबर में. ठीक है, क्लियर है, क्या किया हमने बोलो, क्लियर है सबको? अब नॉर्मली पीवी निकाल लेंगे, पीवी कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो इनटू पीवीएफ करके, हाँ, फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑल्ट इक्वल टू करने से टोटल कैश फ्लो, टोटल इनफ्लो आ गया हमारा. हाँ बोलो आप एक बार, बस पीवीआईएफ का फॉर्मूला दिखाओ ना. हाँ एक मिनट, बस पीवीआईएफ देखो, 1 प्लस आर, आर इज वॉट, ये वाला सेल सिलेक्ट किया एंड इसको मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, क्यों एब्सोल्यूट किया, बिकॉज ये फिक्स रहेगा. अच्छा हाँ ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट होगा होल टू द पावर माइनस एन. देखो मैंने दो जगह अलग अलग पीवीआईएफ यूज किया, एक जगह मैंने 1/1+r किया, एक जगह मैंने 1+r किया, ताकि तुमको दोनों चीज से कंफर्टेबल रहो. एंड जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं किया, थ्योरी क्लास जल्दी, हाँ बोलो. ये वन, ये जो पहले वाला किए, फर्स्ट वाला पीवीआईएफ निकाले है, इस ये डिफरेंट है, और मतलब उससे पर डिफरेंट आंसर्स नहीं आएगा, 1/1+r टू द पावर n नॉर्मल फार्मूला जो है. नहीं तो ये तो सेम चीज किया ना मैंने, यहाँ पे माइनस लिख दिया एक. अच्छा तुम मेरे को बताओ. अच्छा ओके, वो तो 1/5 तो समझ गया, बट 0.5 भी तो माइनस किए ना फिर. हाँ तो वो तो क्योंकि हम लोग को उस तरीके से निकालना था ना, वो तो उस तरीके से निकालना था हमें, तो वो तो करना ही पड़ेगा 0.5 माइनस, क्योंकि हमने मिडल ऑफ द ईयर अज्यूम किया, यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, और यहाँ पे मिडल ऑफ द ईयर है, तो टाइम पीरियड तो चेंज हो गए, आंसर्स नहीं मैच होंगे. मैम ये मिडिल ऑफ द मंथ नहीं है, मिडिल ऑफ द ईयर, ओ मिडिल ऑफ द ईयर है ना, पूरे साल 9000 का इनकम हो. ओके ठीक है, तो जनरली इनफ्लो में मिडिल ऑफ द ईयर लेंगे. नहीं क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ओके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 9000 का इनकम इज थ्रू आउट द ईयर, तो इसीलिए हम लोग अज्यूम करें मिडल ऑफ द ईयर लेके फिर कैलकुलेट करें, बिकॉज तुम लोग को अभी कंटिन्यूअस का नहीं आता, जैसे हम लोग कंटिन्यूअसली अगर इनकम हो रहा है 9000 का तो उसको कैसे निकालते हैं, उसका भी तरीका होता है, वो हम लोग एनुइटीज यूज करते हैं, कंटिन्यूअस एनुइटी. ठीक है, ये चीज क्लियर है मैम, द ईयर स्टार्ट हुआ इन आउटफ्लो 9000 था, सॉरी इनफ्लो 9000 था, और एंड में उसका 25,000 अलग आया वो बेचने से, कि ये कंटिन्यू हो गया, हम लोग लेंगे अभी 25,000 वाला कंसीडर करेंगे अभी, तो ये बस 9000, ये 9000 वाला इनकम ओवर देयर 4% बस बढ़ते जा रहा है. हाँ ये क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़े. ठीक है चलो, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो सेल्स प्रोसीड मिल रहा है, मतलब कि बेचने पे जो हम लोग को मिल रहा है, अपने वैन को बेचने पे जो हमें मिल रहा है वो कितना है. ठीक है, तो हम लोग सेल्स प्रोसीड निकालेंगे इधर, सेल्स प्रोसीड हो गया, अब यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं, ये बहुत इजी हो जाएगा, कैश फ्लो और पीवीआईएफ एंड पीवी. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ मैम. ठीक, एक ही साथ मिला
हाँ एक ही टाइम पे मिला है बट ठीक है हम लोग पूरा दिखा सकते हैं, अगर तुम लोग को एक ही टाइम पे दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। तब फिर एन सीधा एन क्या होगा मैम अगर एक ही बार में करे तो? बता रहे ये हो जाएगा जीरो, पहले तो कोई कैश फ्लो मिला नहीं हमें तो जीरो ड्रैग कर देंगे। लास्ट ईयर में हमें टाइम 10 पे, ये मिडिल ऑफ द ईयर नहीं है, 9.5 पे हमने अपने वैन को नहीं बेचा है, हमने अपने वैन को कब बेचा है? टाइम 10 पे बेचा है। कितने पे बेचा? 25,000 पे बेचा। ये चीज क्लियर हुआ? टाइम 10 पे बेचा हमने, उसके पहले हमने कुछ नहीं किया था। क्लियर है ये चीज सबको? अब PVIF क्या हो जाएगा? 1 + r = 1/1 + r = 1 + r = 7 माइनस एन बिकॉज हमें अब दूसरा फॉर्मूला यूज करे, 1 + r वाला यूज करे, तो माइनस योर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ 0.5 और ये सब का कुछ नहीं करना बिकॉज ये सारा योर एंड पे हो रहा है। ठीक है, तो अब बस इसे ड्रैग कर देना है हमें। एंड मैम इसका नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया? एन कैसे हुआ, इसका एन क्या दिए? बता रहे, किसने पूछा ये क्वेश्चन? मैम रेशम। हाँ रेशम, सबसे पहले तो ये बताओ 25,000 का जो कैश फ्लो है वो कब हो रहा है? 10th ईयर पे। 10th ईयर मत बोलो, एंड ऑफ द ईयर बोलो। एंड ऑफ द 10th ईयर। जब इसका डिस्काउंटिंग करेंगे तो कितने साल का डिस्काउंटिंग करेंगे? 10 साल पूरा। उसमें क्या 0.5 ये सब कुछ आएगा? नहीं कुछ नहीं, जीरो आएगा, बस टेंथ में पूरा 1 लेंगे। हाँ तो यहाँ पे हमने क्या किया देखो, 1 + r यार है ना, 2d ये हमने क्या किया माइनस 10 माइनस, अच्छा हाँ ये माइनस 10 व्हिच इज -10। तो हमने यहाँ पे अच्छा, क्या किया 10 इयर्स का PVIF निकाला है -10। हाँ क्लियर है अभी? उसके ऊपर में, अच्छा ऊपर में तो कुछ नहीं होगा, वो मैटर ही नहीं करता बिकॉज हमने जीरो ले लिया है। अगर यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ोगे तो कुछ मैटर नहीं करेगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक भी छोड़ो। हाँ तो ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, ब्लैंक ही छोड़ दो। ये हमारा फिर फाइनल वैल्यू हो गया, इसको हाईलाइट कर दो। अभी कुछ टोटल निकालना नहीं है बिकॉज ये एक वैल्यू है। बेसिकली दिस इज वॉट 25,000 जो आफ्टर 10 इयर्स मिलेगा हमें, उसका करंट वैल्यू है। ठीक है, तो 25,000 जो आफ्टर 10 इयर्स मिलेगा उसका ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो तीनों चीज आ गए हमारे, तीनों चीज कैलकुलेट हो गए। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं प्रेस? हाँ बोलो। ये तो यही है ना 25, ये मतलब कैश फ्लो इनटू 0.498। हाँ हाँ जो है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एनपीवी हमारा कितना आ रहा है वो हमें निकालना है। तो अब हम एनपीवी निकालते हैं। एनपीवी कैसे निकालते हैं बताओ, कौन बताएगा? एनपीवी कैसे निकालते हैं? आउटफ्लो प्लस इनकम माइनस सेल्स रिसीव्ड। उसको माइनस करते हैं ना तुम बेच के तुम्हें मिल रहा है। तो ये मैंने ऐड किया, देखो एक बार फॉर्मूला बार पे देखना, ऊपर फॉर्मूला तो दोनों इनफ्लो ऐड करके माइनस कर देंगे आउटफ्लो। हाँ वापस, दोनों इनफ्लो ऐड करके आउटफ्लो माइनस कर देंगे बस। प्रोसीड माइनस आउटफ्लो। क्या मुझे सुना नहीं? मतलब
इनकम प्लस सेल्स रिसीट्स माइनस आउटफ्लो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये इनकम है जो हमें हर मंथ मिल रहे प्लस हमारा सेल्स प्रोसीड एंड माइनस जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखते रहो, फॉर्मूला बार में आंसर है, और माइनस ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया है आउटफ्लो हमारा सबका पीवी सबका प्रेजेंट वैल्यू सबका प्रेजेंट वैल्यू बिकॉज हमें एनपीवी कब निकालना है टाइम जीरो पे टाइम जीरो पे। तो ये हो गया आंसर आ गया। दिस इज व्हाट रेशम समझाओ दिस इज व्हाट मैम क्या चीज ये जो मैंने निकाला ये क्या है आपका मॉनिटर कहाँ है मेरे को दिख नहीं रहा ये नहीं दिख रहा हाँ 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 मैम क्या समझा है ये जो है प्रेजेंट वैल्यू ये एनपीवी वाला वैल्यू ये तो जो हम लोग अपना वैन बेचे उसका प्रेजेंट वैल्यू है सारा इनकम आउटफ्लो सब बेच के और रिसीव करने के बाद बेसिकली जो क्या नाम था इसका राहुल तो जो राहुल इसका पूरा जो मनी वैल्यू अब है वो है एनपीवी नहीं वेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ और इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो भी ट्रांजैक्शन से हुआ राहुल का हाँ बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग जब एक प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं हम लोग को आउटफ्लो इनफ्लो ये दोनों चीज कंसिडर करना होता है इसके साथ हमें कंसिडर करना होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज बेसिकली कहाँ से आता है जो इंटरेस्ट रेट से अब देखो हर चीज को लॉजिकली समझते हैं बिकॉज इंटरव्यूज में काम आते हैं क्या काम आता है उन लोग पूछते हैं कि इफ यू हैव थ्री प्रोजेक्ट्स विद योरसेल्फ व्हिच वन इज मोर सूटेबल कैसे पता चलेगा व्हाट आर द क्राइटेरियाज तो पहला क्राइटेरिया इज एनपीवी एनपीवी इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं लाइक वेन एवर वी आर इवेल्युएटिंग एनी प्रोजेक्ट हम लोग एनपीवी हमेशा यूज करते हैं ठीक है तो एनपीवी इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू कि इस मोमेंट पे हमारे प्रोजेक्ट का क्या वैल्यू होगा और वो किस पे डिपेंड करेगा हमारे फ्यूचर आउटफ्लो पे फ्यूचर इनफ्लो पे ठीक है तो ये दोनों जो मैंने बनाया टेबल यहाँ पे ये दोनों टेबल्स ये वाला इनकम और सेल्स प्रोसीड वाला दीज आर द फ्यूचर इनकम एंड आउटगो इज द फ्यूचर आउटफ्लो तो इन सबको कंसिडर करके मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है व्हेन आई एम डिस्काउंटिंग इट टू टाइम जीरो ये चीज क्लियर हुआ yeah. तो क्योंकि हर चीज जो भी पढ़ोगे अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि उसको अप्लाई करना सीखे तो मेरे पास सब कुछ 7.2% पे ही हो रहा है हाँ हाँ सब कुछ हम ले रहे हैं इसी डिस्काउंटिंग फैक्टर पे सब कुछ हम इसी डिस्काउंट एक ही डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर रहे हैं हम लोग मतलब एक ही इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे हैं जनरली होता है कि आउटफ्लो एक पे होता है इनफ्लो एक पे होता है बहुत बार ऐसा होता है बट जनरली इज द केस कि हम लोग एक ही डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी रहे ये चीज क्लियर है अब एक बात बताओ ये मेरा प्रोजेक्ट का एनपीवी है सपोज आई हैव वन मोर प्रोजेक्ट उसका मेरा एनपीवी इज लेट्स से सपोज 20,000 सो विच प्रोजेक्ट इज बेटर 22,000 वाला कि 20,000 वाला 22,000 वाला प्रोजेक्ट इज बेटर इस वाले प्रोजेक्ट को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे ये वाला नहीं लेंगे हम लोग ये लेंगे बिकॉज इसमें हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा मिल रही है ये क्लियर है ठीक है अब नेक्स्ट देखो अब हमें क्या है ये हमारा एनपीवी आ गया तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया अब सेकेंड आंसर बोल रहे हैं कैलकुलेट द प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कौन समझाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है मतलब इतना इंटरेस्ट रेट पर एनपीवी या जीरो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल होता है तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सो बेसिकली इक्वेशन ऑफ वैल्यू के जैसा जहां पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बेसिकली हमारा एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो जीरो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो ऐसा इंटरेस्ट रेट हमें निकालना तो क्या ये हम लोग गोल सीख से कर सकते हैं मतलब वापस से नहीं कैलकुलेट कैसे करेंगे बताओ If गोल हम लोग एनपीवी को जीरो कर देंगे एंड द चेंजिंग एलिमेंट विल बी द इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट हम लोग अपना डिजायर्ड एनपीवी मतलब इंटरेस्ट रेट जीरो कर देंगे फिर जो आउटफ्लो इनफ्लो का वैल्यू है उसको करके इक्वेट कर देंगे
नहीं ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा. देखो हमने क्या किया है, हमने हर जगह जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला है तो हमने इंटरेस्ट रेट को एज एन इनपुट लिया है. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इज एन इनपुट फॉर अस. और ये जो एनपीवी है दिस इज एन आउटपुट फॉर अस. यस ओके. तो गोल सीकिंग बेसिकली क्या होता है कि हम आउटपुट को चेंज कर, आउटपुट को अचीव करते हैं, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट अचीव करते हैं बाय चेंजिंग आवर इनपुट. हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एनपीवी जीरो अचीव करना है विच इज द आउटपुट बाय चेंजिंग व्हाट द इनपुट विच इज द इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट, ये चीज क्लियर है? यस. तो हमें गोल सीक से एनपीवी को जीरो करना है बाय चेंजिंग व्हाट इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो बस सिंपली हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक. सेट सेल में किसको सेट करेंगे, जो सेल्स एनपीवी एनपीवी वाला टू वैल्यू व्हाट, जीरो 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 बाय चेंजिंग इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट, अब देखो ये ऑलमोस्ट जीरो अचीव हो गया. ठीक है, एग्जैक्टली जीरो में भी नहीं अचीव हो हमें, तो देखो डेसिमल प्लेसेस जब रिड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग जीरो अचीव कर रहे हैं. एंड हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, 14.24. सो बेसिकली और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 14.24. यानी कि इस प्रोजेक्ट से हमें कितना रिटर्न मिलेगा, 0.24. ये चीज क्लियर हुआ? 0.24 कैसे मैम? सॉरी 14.24. मैम ये 14.24 इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज द IRR, दिस इज द IRR जहां पे हमारा एनपीवी कितना हो गया, जीरो. पर हम क्या ये, अच्छा एक चीज और एक कॉन्सेप्ट होता है कि एनपीवी IRR इज द प्लेस, IRR इज द इंटरेस्ट रेट जहां पे एनपीवी इज जीरो. ठीक है, सपोज आई एम टेलिंग यू दैट योर प्रोजेक्ट विल अर्न एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 16%. ठीक है, and your internal rate of return is 14.24%. समझ में आ रहा है मेरा question? 16% is the rate of return of your project. मतलब I am telling you कि तुम्हारे पास एक और project है उसका, या फिर यही project मानते हैं, यही project है, इसमें हमें interest rate, हमें जो return मिलेगा that is of 16%. And मैंने ये भी बोल दिया कि IRR is 14.24%. तो इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, सोच के. मैम 16% क्या है? 16% इज द रेट ऑफ रिटर्न व्हिच यू विल गेट ऑन द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न व्हिच यू गेट ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट. इफ आई एम सेइंग कि यू विल गेट 16% रिटर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट, अगर तुम ये प्रोजेक्ट करते हो तो, एंड internal rate of return on your project is 14.24. So will you take up this project or not? Yes, kyunki zyada hai 16%. No, we won't. Oh, internal rate of return is more. Ma'am, NPV to zero ho gaya, chab hum log 14.24. NPV ko bhul jao na. To jab 16% ke liye to hum log ko thodi. Ma'am, internal rate of return zyada hona chahiye. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होना चाहिए. तो सबसे बेस्ट चीज क्या होगा, अगर हम लोग इतना कंफ्यूजन है हमें, हमने ये पता है कि एनपीवी अगर ज्यादा है, ठीक है, एनपीवी अगर ज्यादा है तो हमें ये पता है कि हमारा प्रॉफिट है. ये रिपीट करेंगे मेरा, एक बार स्लो जाते हैं, एक बार सुनो. एनपीवी अगर ज्यादा है किसी प्रोजेक्ट का तो हम लोग वो प्रोजेक्ट चूज करेंगे. ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि तुम लोग दोनों पे एनपीवी निकाल के देख लो, 14.24 पे हमें पता है जीरो आ रहा है, अगर 16 पे पॉजिटिव आया एनपीवी तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, आया ना? तो मैम एनपीवी तो जीरो ही करते हैं ना हम लोग हमेशा, तभी आईआरआर निकलता है. हाँ भाई वो तो है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग को अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि आईआरआर और रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर कैसे करें, तो एनपीवी के थ्रू कंपेयर करो. एनपीवी जो भी रिटर्न में ज्यादा है तो वो रिटर्न हम लोग के लिए सही है, प्रॉफिटेबल है, तो इसको हम लोग 16 कर देते हैं एक बार के लिए.
एक बार के लिए 16 कर देते हैं, तो एनपीवी क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव। क्या था ये, मुझे याद ही नहीं, रुको इसे वापस हमें गोल सीख करना पड़ेगा। एक बार के लिए तुम लोग ये चीज भूल जाओ, क्योंकि शायद तुम लोग ये कॉन्सेप्ट सीखे नहीं हो अभी तक। मैं क्या बोल रही हूँ, हमारा IRR इज 14.24, ठीक है? दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे योर एनपीवी इज जीरो। आई एम सेइंग दैट यू विल गेट अ रिटर्न ऑन योर प्रोजेक्ट ऑफ 16% व्हिच इज मोर देन IRR। तो एनी रिटर्न व्हिच यू गेट व्हिच इज मोर देन IRR, तो हम लोग वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये जो है, दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर बेसिकली, जहां पे एनपीवी जीरो है। इजीली समझो, इस चीज को समझो कि सपोज तुम लोग ने बैंक से लोन लिया, ठीक है? सपोज जैस्मिन ने बैंक से लोन लिया, बैंक ने उसे बोला कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा 14.24 का। तो जैस्मिन कितना का इंटरेस्ट दे रही है? 14.24 का इंटरेस्ट दे रही है। मैं जैस्मिन को बोलू, जैस्मिन तुम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, मेरे प्रोजेक्ट में, जहां तुम्हें मैं 16% दूंगी रिटर्न, ठीक है? और रेशम बोलती है कि मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, मैं तुमको दूंगी 12% का रिटर्न। तो जैस्मिन किस पे इन्वेस्ट करेगी, 16% पे कि 12% पे? 16% पे, बिकॉज उसका आउटफ्लो कितने का और है, 14.24 का और है। पर इससे मिल कितना रहा है, 16% तो प्रॉफिट है। और अगर अगर ये रेशम के में इन्वेस्ट करेगी तो इसे 12% मिलेगा, तो इसे देना तो 14.24 है, पर इससे मिल तो 12% ही रहा है, तो इसके लिए लॉस है। तो हम लोग जब अपने प्रोजेक्ट को IRR से कंपेयर करते हैं, तो जिस प्रोजेक्ट का IRR इज हायर, हम लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? इसका रिटर्न इज हायर ना? हाँ, रिटर्न या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे एनपीवी जीरो हो रहा है। इफ वी से कि IRR हायर है, जिसका जिस प्रोजेक्ट का IRR इज हायर, हम लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एनपीवी अगर ज्यादा है तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, सिमिलरली IRR अगर ज्यादा है तो हम लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ये चीज क्लियर हुआ? ये और क्लियर होगा जब तुम लोग थ्योरी का वीडियो देखोगे सारा। क्लियर हुआ क्या? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, मतलब जिन लोगों ने नहीं किया थे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैम IRR तो निकालना होगा ना पहले? हाँ, IRR निकालेंगे फिर कंपेयर करेंगे, राइट? हाँ, फिर कंपेयर करें, फिर कंपेयर। क्लियर? अब यहाँ जो 7.2% है, दिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट व्हिच यू आर पेइंग। यू कैन से कि जो 7.2% ये हमारे लिए आउटफ्लो जैसा है, इससे हम लोग डिस्काउंट करें ना। तो अगर मेरा कोई भी वैसे देखा जाए तो अगर हम लोग 7.2 से कंपेयर करें, तो मेरा कोई भी रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज हायर देन 7.2% उस, मतलब हमें इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा, है ना? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अगर लोन हमने लिया 20,000 सपोज, जो इनिशियली लोन लिया वो हमने एक 10% पे लिया बेसिकली, पर रिटर्न तो 10% से ज्यादा मिलेगा अगर रेट ऑफ रिटर्न, तभी तो हमें नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्लियर होगा जब तुम लोग और सम्स करोगे। तो बेसिकली एनपीवी क्या हो गया, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एनपीवी अगर ज्यादा है, मतलब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, ठीक है? तो अगर एनपीवी जीरो से बड़ा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल है। और जब दो तीन प्रोजेक्ट साथ में कंपेयर करते हैं तो हम लोग बोलते हैं जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी इज हाईएस्ट वो प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे। IRR में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे एनपीवी हमारा जीरो हो जाते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर इक्वल। पर हम लोग अगर ये बोले कि तीन प्रोजेक्ट कंपेयर करो, सपोज तीन प्रोजेक्ट, तो तीनों में जिसका सबसे ज्यादा IRR होगा वो प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न यू विल अचीव, ठीक है? अब अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो कैसे कंपेयर करें, एनपीवी तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, हाँ। तो हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल है, और IRR शुड बी मोर देन 7.2%। जनरली IRR से नहीं, हम लोग का
गिवन रेट है उसके आईआरआर ज्यादा होना चाहिए तब वो सिंगल प्रोजेक्ट का बेस्ट होगा. और ऐसा बहुत बार होता है कि सपोज दो प्रोजेक्ट है ए एंड बी, बहुत बार होता है कि ए का एनपीवी इज मोर देन बी पर बी का आईआरआर इज मोर देन ए. यू हैव टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, ए का एनपीवी इज मोर देन बी एंड बी का आईआरआर इज मोर देन ए. ऐसा बहुत बार होता है. तो ये एक डिलेमा हो जाता है कि कौन सा सिलेक्ट करें. तो उस केस में हम लोग थर्ड क्राइटेरिया चूज करते हैं या फिर उस केस में हम लोग बोलते हैं कि कंपनी वेटेज देते हैं कि एनपीवी को हम 90% वेटेज देते हैं, आईआरआर को हम 10% वेटेज देते हैं. मतलब कि एक बार सब लोग अपना म्यूट कर दो ना प्लीज, सब लोग अपना म्यूट कर दो. बेसिकली इससे क्या मतलब होता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक का एनपीवी ज्यादा है एक का आईआरआर ज्यादा है, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सा सिलेक्ट करें. तो हम लोग इस केस में जनरली कंपनी बोलते हैं कि हम लोग एनपीवी को ज्यादा वेटेज देंगे, यानी कि एनपीवी जिसका हाईएस्ट आ रहा है उसी के साथ जाते हैं, आईआरआर को भूल जाते हैं. तो हम लोग ए को सिलेक्ट करें, प्रोजेक्ट ए को. उस तरीके से बहुत बार इश्यूज होते हैं कि एनपीवी और आईआरआर, आईआरआर से हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलता. एक से में भी एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक से में भी एक प्रोजेक्ट मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार. किसी को भी कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो. मैम फिर हम लोग सारा सिनेरियो में एनबीसी को क्यों नहीं वेटेज देते हैं, आया क्यों करते हैं? ऐसा उसका एनीवे 90% है वाली. नहीं वो तो मैंने अज्यूम किया कि कोई कंपनी बोला कि उसका 90% वेटेज है, वो तो मैंने अज्यूम किया. पैसा जरूरी नहीं है, कंपनी अपना डेलीगेशन देगा ना, मतलब उसका डेस्टिनेशन होगा कि कितना वैल्यू. कंपनी का डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या. एंड बहुत बार होता है कि व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर स्मॉल लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स तो दे गो फॉर आईआरआर, क्योंकि एनपीवी का कैलकुलेशन थोड़ा सारा डिफिकल्ट है. तो उन लोग में भी आईआरआर कंसिडर करे, कोई कंपनीज आईआरआर कंसिडर करते, कोई कंपनीज मोस्टली कंपनीज कंसिडर एनपीवी. ठीक है, आईआरआर वो इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो अपना इंटरनल प्रॉफिट्स देख रहा है, फ्यूचर गोल्स नहीं देख रहा. शॉर्ट टर्म में वो अपना पूरा गेन चाहते हैं. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा सम है प्रोजेक्ट अप्रेजल का जो मैंने कराया है. पे बैक पीरियड भी मुझे कराना था पर अभी आई डोंट थिंक टाइम है ये कराने का. तो अगर ये करना है तो बोलो ये करते, छोटा सा समय. वैसे तो ये बहुत 5 मिनट्स का समय कि बस भी करना है इसको. और बाकी सब बोलो, उन लोग को मन नहीं है किसी का करने का. ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इतना ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था. ठीक है, तो एक काम करते हैं, जिनको करना है उन लोग रह जाओ और जिनको नहीं करना उन लोग, क्योंकि 5 मिनट्स का समय, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली 5 मिनट्स का समय. तो जिसको जिसको करना है उन लोग कर लेते हैं और जिसको नहीं करना ड्राइव भेजे ना, मतलब ग्रुप में भेजे, ड्राइव में अपलोडेड नहीं है. नहीं ड्राइव पे अपलोडेड है. पाइथन का भी कौन सा फोल्डर है? मैं भेज दूंगी. ओके मैम, ठीक है, ये क्लियर है ना? अब देखो यहाँ जो भी डाउट है तुम लोग खुद से बस सॉल्व करना. पाइथन का अलग से आया था. हाँ मैं भेज दूंगी पाइथन का. ये वाला ये बताओ एक बार, वो हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे. पाइथन ये बताओ पहले, ये क्लियर है सबको? हाँ मैम. ठीक है, आगे बढ़े. अब देखो जिनका हो गया है ये वाला और जिनको आगे नहीं करना है पे बैक पीरियड, जिनका नहीं हुआ है अभी तक, तो उन लोग छोड़ दो. बिकॉज जिनका पे बैक पीरियड 1 नहीं हुआ उनसे 2 भी नहीं होगा. जिन्होंने 1 किया खाली उन लोग रहो, बाकी सब एग्जिट कर दो. जिनका पे बैक पीरियड 1 हो गया है खाली उन लोग रहो, बाकी सब एग्जिट कर दो. मैम नहीं किया है. हाँ तो तुम लोग फिर तुम लोग एग्जिट कर दो. तुम लोग नहीं किया है ये वाला वीडियो देखना. ओके मैम, इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू मैम, बाय. और डेली पढ़ो, ऐसे टाइम पास मत करो. हां अच्छा ठीक है, पढ़ लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग. हाँ चलो. ये तुम लोग को याद है ना, ऋषिका जैस्मिन रूपल? हाँ दीदी, ये की. हाँ ठीक है, अब हम लोग ये वाला करते हैं. पे बैक पीरियड बहुत इजी है. यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का एंड द कैश इनफ्लोज आर गिवन बिलो इन द टेबल. कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट. तो हमारा 5 लाख का आउटफ्लो है
अब हमें पे बैक पीरियड निकालना है. देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, एक बार के लिए इसको इग्नोर करो फॉर्मूला को. सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला था, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, याद है? हाँ. ऋषिका समझाएगी कि क्या होता है ये. हाँ दीदी हमको समझाएगी. अच्छा हाँ. तुम तो लग रहा सो रही हो. नहीं नहीं पूरा किया है अच्छे से. समझाओ कि ये क्या है accumulate. सबसे पहले तो समझाओ payback period क्या होता है. payback period वो होता है जिसमें पता चलता है कि कौन सा हम लोग का जो outflow है कौन सा year में सब पूरा हो जाता है. ये कैसे समझाई तुम तो? रुक के हम और एक बार समझ के समझाते हैं. समझ के नहीं समझाना होगा तुमको. हाँ दीदी सुनिए, जब जब आपका लगाया हुआ पैसा जो ईयर में वापस आ जाता है ना आपके पास, वो भैया का लैंग्वेज बोल. हाँ. लगाया हुआ पैसा. अब सुनो अच्छी लैंग्वेज में कैसे भैया से सीखा है ना. अब सुनो देखो, पे बैक पीरियड हम लोग बोलते हैं इट इज द टाइम जहाँ पे ऑल माय आउटफ्लो basically all my cash flow becomes nil, sum of all my cash flow becomes nil, zero, yani ki all my outflow is achieved. ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? हाँ. तो देखो ये हमारा आउटफ्लो है. ठीक है, अब क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? पहला साल तो ये हो जाएगा, दूसरा साल क्या क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 5 लाख प्लस 62,000. अब इसको नीचे ड्रैग कर दें. हाँ. अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग को बोला है कि जो इनफ्लो है, कुछ बोला नहीं इनफ्लो के बारे में कि एंड ऑफ द ईयर है कि मिडल ऑफ द ईयर है कि कंटेनर्स है, कुछ बोला नहीं. कुछ बोला है क्या? नहीं नहीं, हम लोग दोनों चीज कंसिडर करेंगे और दोनों तरीके से सम निकालेंगे. पहला चीज कंसिडर करेंगे कि एंड ऑफ द ईयर में इनफ्लो है. ठीक है, एक बार म्यूट कर दो तुम लोग अपना. अब सुनो ढंग से देखो. टाइम 7 पे हम लोग अज्यूम करें, फर्स्ट अजम्पशन ये है कि हम लोग का जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो एंड ऑफ द ईयर पे हो रहा है. ये क्लियर है? तो एंड ऑफ द ईयर पे हो रहा है यानी कि ये जो 90,000 का कैश फ्लो है ये टाइम 7 पे हो रहा है. ये जो 56,000 का कैश फ्लो है ये टाइम 8 पे हो रहा है. ठीक है, ये चीज क्लियर है? मतलब ऑल ऑफ दीज आर हैपनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. अब हम लोग को निकालना है कि हमारा कौन से टाइम पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम 8 पे अगर तुम लोग देखो, अब अपना अनम्यूट कर लो एक बार के लिए. अब मेरे को खाली आंसर करो, जब वी आर अज्यूमिंग कि एंड ऑफ द ईयर हो रहा है कैश फ्लो, यानी कि ये हो रहा है टाइम 7 पे, ये हो रहा है टाइम 8 पे, तो हम लोग इस केस में अपना पे बैक पीरियड कब अज्यूम करेंगे? I think 8th year because उसी में हमें positive हो जा रहा है. Very good. तो हम लोग 8th year consider करेंगे because 7th year में तो negative है ना, और 7 और 8 के बीच में कोई inflow हो नहीं रहा because we are assuming end of the year. तो हमारा answer क्या हो जाएगा? 8. Clear है ये चीज? बोलो ये चीज clear है? हाँ. रुक जाओ मुझे एक बार chats पढ़ने दो. Rate of return and PV have an inverse relation. हाँ, very good Rupal, rate of return and PV has inverse relation. ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था उस समय, कोई बात नहीं. चलो ये वाला क्लियर हुआ ना कि टाइम 8 पे क्यों होगा? सबको रूपल को क्लियर है, जैस्मिन ऋषिका तीनों को क्लियर है? हाँ, हाँ. अब हम लोग अज्यूम करते हैं, ये डिफिकल्ट पार्ट है, कि कंटिन्यूअस कैश फ्लो है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंटिन्यूअस कैश फ्लो है, ये जो 62,000 है, ये जो 62,000 है, 62,000 इज बेसिकली हैपनिंग फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 1 पूरा फर्स्ट ईयर. ठीक है, पूरा फर्स्ट ईयर. 70,000 पूरा सेकेंड ईयर टाइम 1 से टाइम 2 के बीच में, 45,000 पूरा थर्ड ईयर टाइम 2 टाइम 3 तक के बीच में कंटिन्यूसली हो जा रहे हैं. इस केस में टाइम 7 पे जो हम लोग हैं, तो जब हम लोग टाइम 7 पे हैं, टाइम 7 पे, तो उस समय हमारा जो कैश, हमारा जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है दैट इज -1,000. क्लियर है? हाँ.
टाइम 7 पे हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज -1000। ये चीज क्लियर है सबको? बोलो। हाँ दीदी। ऋषिका क्लियर है? हाँ दीदी। ठीक है, तो दिस इज द कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो टाइम 7 यानी कि -1000। तो हमारा पे बैक पीरियड कब होना चाहिए? जब हम लोग ये 1000 को कमा ले और वो ट्रांसलेट हो जाए तो 55,000, मतलब 7th और 8th ईयर के बीच में। हाँ, 7th और 8th ईयर के बीच में, ये तो समझ में आया। पर ये समझ में आया कि जब ये 1000 हमारे को मिल जाए तो जीरो हो जाएगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। हाँ, इट विल हैपन बिटवीन टाइम 7 and 8। अब देखो ध्यान से सुनना। टाइम 7 और टाइम 8 के बीच में, लाइक द वन ईयर, द होल वन ईयर कितना का कैश फ्लो है? बोलो। 56,000 का। दिस इज द कैश फ्लो विच इज हैपनिंग फॉर द एंटायर ईयर। अब मैं तुम लोग से पूछूं, इस पूरे साल में 1000 कब मिल जाएगा? तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे एकदम देखना। एक साल पूरा में मुझे 56,000 मिल रहा है, ठीक है? या फिर ऐसे समझो, रुको, ऐसे समझो, यूनिटरी मेथड बच्चा लोग को समझाते हैं ना। 56,000 मिल रहा है हमें एक साल में, क्लियर है? तो 1000 हमें कितने साल में मिल जाएगा? डिवाइड करने से 1/56,000 × 1000। ये बताओ, रुको, ये बताओ, वन ईयर, ठीक है, 56,000 हमें एक साल में मिलेगा, तो एक 1 रुपी कितने में मिलेगा? 1/56,000 में। हाँ। ये हम लोग का ईयर हो गया 1/56,000 ईयर, जितना भी आएगा, बहुत छोटा सा में भी, एक दिन से भी कम आए, तो 1000 क्या हो जाएगा? 1/56,000 × 1000 बेसिकली 1000/56,000। ये क्लियर है? हाँ। ये क्लियर है कि नहीं? तो इसको ईयर में चेंज कर, तो इसको हम लोग इसका निकाल लेते हैं आंसर 0.02। यानी कि 0.02 ईयर, यानी कि 7 और 8, अब एक बार म्यूट कर दो तुम लोग अपने आप को, 7 और 8 के बीच में 0.02 जो है, जैसे मेरा जैसे ईयर स्टार्ट हुआ 0.02 ईयर में मेरा 1000 मुझे मिल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पे बैक पीरियड है इज नथिंग बट 7 + 0.02 7.02। बोलो दीदी, 7 क्यों की प्लस? तुम देखो 7 तक तो आएंगे ही ना, 7 तक तो आएंगे ही हम लोग। हाँ। फिर हमें निकालने, अच्छा, प्लस, की, हाँ। फिर हमें निकालने की 7 और 8 के बीच में ये 1000 कब मिल रहा है, कब मिल रही है? 0.02 ईयर में। हाँ, 0.02। एक्सट्रपोलेशन से भी कर सकते हैं, रूपल ने बोला है। रूपल कैसे करेंगे एक्सट्रपोलेशन से बताओ? तो इसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, इयर्स बिफोर द फुल रिकवरी, तो कितना इयर्स है? 7 इयर्स है बिफोर द फुल रिकवरी, 7 इयर्स, ये दिख रहेगा तुम लोग को? हाँ। फिर है अनरिकवर्ड कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कितना है अनरिकवर्ड कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर? 1000 का। 1000। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 56,000 का। 56,000। हम लोग वही करें, देखो 7 + 1000 / 56,000, और ये जो 1000 है इसको -1000 मत लेना, 1000 ले। बोलो, क्लियर है? पे बैक पीरियड कैसे सॉल्व करते हैं जब कंटिन्यूस कैश फ्लो होता है दीदी? हाँ, ये एक तरीका का वैसे ही वर्क है जो FX वगैरह लेके किया था हम लोग। हाँ, जैसे हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन से भैया करवाते थे। जैसे देखो, रूपल बोल रही है इंटरपोलेशन, तुम लोग बोल रहे हो इंटरपोलेशन, बट यहाँ मैंने इंटरपोलेशन क्यों नहीं यूज किया है? बिकॉज इंटरपोलेशन इज दो टाइम पीरियड के बीच, मतलब इट्स लाइक उस केस में क्या होता है इंटरपोलेशन में, कि हम लोग ये नहीं मानते कि कंटिन्यूस कैश फ्लो है, ठीक है? उसमें मानते हैं कि दो टाइम 1 पे इतना हो रहा है, टाइम 2 पे इतना हो रहा है, तो 1.5 पे कितना होगा, ये मानते हैं।
ये हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पे, हम लोग ये बोल रहे हैं कि पूरे साल लाइक 56,000 यू कांट डिवाइड 56,000 जो है वो पूरे साल हो रहा है, 7 और 8 के बीच में पूरे साल हो रहा है. तो अब 1,000 कब मिल रहे है वो तो हम लोग ऐसे ही निकाल पाएंगे ना यूनिटरी मेथड से. ये 56,000 पूरे एक साल के लिए हो रहे हैं, तो एक रुपया क्या हुआ 1/56,000, और 1,000 रुपीज कब हुआ 1,000/56,000. क्लियर है? हाँ. वो जो इंटरपोलेशन है दैट विल नॉट कम इन कंटिन्यूस, ये दिस इज द कंटिन्यूस केस जो हम लोग कर रहे हैं. ये जो 56,000 है कंटिन्यूसली पूरे साल मिल रहा है, तो हम लोग को 1,000 का रिकवरी कब हो जाएगा 0.02 ईयर पे. तो हम लोग का टोटल क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 7 तक आगे बढ़ेंगे, फिर इन दोनों के बीच में हम लोग खाली 0.2 के लिए आगे जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.0. बताओ क्लियर है ये चीज? हाँ. ठीक है, तो हम लोग को ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है प्रोजेक्ट अप्रेजल बेसिकली. तो उसमें हम लोग का पे बैक पीरियड था, एनपीवी था. तुम लोग को ये वाला सम वापस से प्रैक्टिस करना है, ये वाला और पे बैक पीरियड वाला. फिर कोई भी डाउट होता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे. ठीक है? ठीक है. ठीक है. बाय दीदी. थैंक यू. बाय बाय. बाय दीदी. बाय बाय रूपल.